वरि वर्का इनशा आज हमारा टॉपिक है अस्रा वलमराज तो आपसे अर्श पे ले जाया गया था तो ये हमें इसके लिए एक आयत है सबको मालूम है माशादिल्ला वो आयत हमें मिलती है सूरतल बनी इसराई या सूरतिसस्रा भी उसका नाम है आयत नंबर एक तो इनशाला पहले हम तिलावत सुनते हैं तो अल्लाह ताला ने इस सूरत में फ़रमाया है तो इन हम सुनते हैं पाक है वो वह जो अपने बंदे को एक रात में मस्जिद से मस्जिद अक्सा तक ले गया जिसके आस पास हमने बरकत रखी है ताकि हम उसे अपने बाज़ निशानियाँ दिखाएँ यकीन वो अल्लाह खूब सुनने वाला और ख़ूब देखने वाला है आ, इस आयत में जिस वाक़े की तरफ इशारा है वो इसरा के नाम से मशहूर है इसरा के लफ़ी मानी है रात को सफ़र करना रात को चलना तो हम देखते हैं कि रजब जो है इस्लामी कैलेंडर का हरमत वाले महीनों में से एक महीना है अल्लाह ने फरमाया, साल बारह महीनों का है जिनमें से चार महीने हरमत वाले हैं ती, तीन पैदर पे दर पे दा और मुहरम और रजब जो जमादिल आखिर और शाबान के दरमियान में है यह भी हरमत वाला महीना है रजब को रजबालमरजब भी कहते हैं अरबी में रजब का मानी है ताज़ीम करना और मुरजब मौज़म के मानों में आता है यानी अजमत वाला इसको रजब मुदर भी कहते हैं मुदर जो है असल में मुदर अरबों का एक कबीले का नाम है जिसने दौर जाहिलियत में ख़ास तौर पर इस माँ की हरमत का एहतमाम किया इसी नस्बत की बिना पर इस इसे इस महीने को उनसे मनसूख कर दिया गया इस्लाम से कबल दौर जाहलीत में आपको पता है दौर जाहलीत वो होता है जो इस्लाम से कबल का शाम से पहले का दौर था तो दौरे जहलीत में कत्लो ग आपको मालूम है अरबों का मशला था का, काफ़ले लूट लेते थे कत्लो ग करते थे लेकिन जूं हरमत वाले महीने आते यानी ये इन चार महीनों में जुल्कादा जुलिज़ा जा और रजब आते तो ये लोग हथियार डाल देते थे लिहाजा रजब के बारे में कब्लाम जहली अरब कहा करते थे रजब मतसल यानी रजब वो है जो तेज़ हथियारों को उतार दे तो बहकी की रिवायत में आता है कि जाहिली लोग इन महीनों का एहतराम करते खूस रजब का और इसमें जंग ना करते और बुतों के नाम पर जानवरों की क़ुर्बानी करते लेकिन इस्लाम ने इस माह में किसी ख़ास इबादत का हुक्म नहीं दिया तमाम गुजरते वक्त के साथ इस माह में जो है इबादत के बहुत सी रिवाज पा गए जिसको हम इसरा मराज के वाक़े के बाद देखेंगे कि फिर वो क्या इबादत की जाती हैं और क्या करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए तो हम शुरू करते हैं इंशाल्लाह शह का वाक़ इंशाल्लाह तो आया था तो हमने तिलावत भी सुन ली तर्जुमा भी उसका पढ़ लिया तो अब क्या होता ये ये मेराज है ये ये मराज का वाक़ कैसे शुरू होता है उसको हम देखते हैं तो ये जो बनी इसराइल की आयत नंबर एक है इस में आयत में जिस वाक़े की तरफ इशारा है वो इसरा के नाम से मशहूर है इसरा के लफी मानी है रात को सफ़र करना रात को चलना ये वही सफ़र है जिसमें नबी करीम को जिस्म और रूह समेत मस्जिद मक्से मस्जिद अफसा यानी फ़लस्तन तक मुआजती तौर पर ले जाया गया फ़रिश्तों की हम नशी का ये सफ़र उस ज़माने के हालात अजबाब सफ़र और फास की तवालत की वजह से इंसानी अकल और समझ से बालातर है लेकिन जैसा कि आयत में वाजह किया है गया है कि पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को ले गया तो जिस जात में कमाल या कुरत हो सब कुछ कर सकता है अल्लाह ताला तो सब कुछ कर सकते हैं इस हैरत अंगेज़ और ईमान अफो और सफ़र की तफासिल बुखारी और मुस्लिम समेत अहदीस की बहुत सी किताबों में हमें मिलती हैं तो हम देखते हैं आगाज़ सफ़र और शक्र अनस बिन मालिक रद से मरवी है मिराज की रात जब बैतुल से नबी करीम ससम को ले जाया गया तो वही आने से कबल आपके पास तीन फरिश्ते आए उस वक्त आप मस्जिद हराम में सो रहे थे उनमें से एक ने पूछा वो कौन है दूसरे ने जवाब दिया वो उनमें से सबसे बेहतर है तीसरे ने कहा उनमें से जो सबसे बेहतर है उन्हें ले लो उस रात इतना ही वाक़ पेश आया और नबी ससम ने उसके बाद उन्हें नहीं देखा यहाँ तक कि वो दूसरी रात आए फरिश्ते जब आपका दिल देख रहा था और आपकी आंखें सो रही थी लेकिन दिल नहीं सो रहा था दरअसल तमाम अम्बिया की नींद ऐसी ही होती है कि क्या होता है उनकी आंखें सो रही होती हैं लेकिन दिल नहीं सो रहा होता अम्ब्या का तो उन्होंने आपसे कोई बात नहीं फरिश्तों ने ना की यहाँ तक कि अफसरसों को उठा कर चाय जमज़म के पास लिटाया जहाँ पे जमजम जमजम है मक्का में मक् पर कुआँ यहाँ जबरील ने अपना काम संभाला और सीना मुबारक गर्दन तक खुद अपने हाथ से चाक किया और सीने और पेट के तमाम चीज़ें निकाल कर उन्हें अपने हाथ से जमजम के पानी से जब में धोया जब खूब धो चुके तो आप आपके पास सोने का एक तश लाया गया उसमें सोने का एक बड़ा प्याला था जो हमत और ईमान से पुर था उससे आप के सीने और गले की रगों को पुर कर दिया और सीना मुबारक फिर से सी दिया गया इसे सही बुखारी ने रिवायत किया और ये जो सर्जरीज हमारे दौर में हो रही है ये भी उस जमाने की एक तरह की सर्जरी देखे अल्लाह ताला ने करवा दी थी अलैहिस्सलाम के जरिए आप सस्म की मस्जिद से अब क्या होता है मस्जिद अक्सा तक जो आ, का सफर है आपका मस्जिद यानी खाना काबा से ये सब आपका धोया गया और फरिश्ते ने डाल दिया दोबारा से रख दिया के आपके सीने मुबारक को तो मस्जिद से मस्जिद अक्सा तक यानी फलस्तिन तक उसको इसरा कहते हैं ठीक है इसरा बलमराज है ना तो हजरत जबील बुराक के साथ तशीफ लाए ये गधे से बड़ा खच्चर बड़ा बड़ा और खच्चर से छोटा एक जानवर था जो अपनी खुर अपनी निगाह के आखिरी मुकाम तक रखता था और फिर हम देखते हैं कि इसकी एक हम देखते हैं आप लोग भी देखते हैं इस देखें इसके मतलब इस्क्रीन पर आप लोग देखें कि वो क्या हदीस है हम देखते हैं इस्क्रीन पर कि उसकी आ, रसूल रसूलसम ने फ़रमाया मेराज की रात जब मैं बैतलम़दस पहुँचा तो जबरीलम ने अपनी उंगली के इशारे से पत्थर में शगाफ़ कर दिया और ब्राक को इसे बांध दिया इमाम तिरबीज़ी के हाँ ठीक है ये ये है उसको बांध दिया उसके बाद हम देखते हैं कि जिस वक्त नबी नबीम मस्जिद हराम में थे आप जबरीलम के साथ बैतलम़दस में तशरीफ़ लाए वहाँ जिस हल्के में अम्बिया अपनी सवारियाँ बांधते थे यानी मस्जिद अकसा में उसी में बुराक को बांध दिया फिर मस्जिद अकसा में दाखिल हुए दो रकात नमाज पढ़ी और उसमें अम्बिया की इमामत फरमाई सारे नबी अम्बिया वहाँ पे मौजूद थे उसके बाद आप ससन के पास शराब दूध और शहद के बर्तन लाए गए आपने दूध पसंद फरमाया जबरी ने कहा आपने फ़ितत पाई आपको हिदायत नसीब हुई और आपकी उम्मत को भी हदायत नसीब हुई आ, उसके बाद हम देखते हैं मस्जिद अकसा से आसमानों की तरफ यहाँ तक तो इसरा कहते हैं ठीक है थीके? बैतुल हराम से खाना काबा से मस्जिद अक्सा तक के सफर को अल इसरा कहते हैं अब मस्जिद अक्सा से म, म, इमामत हो गई अम्बियाओं की आपने इमामत करी उन्होंने आपके आ, पीछे नमाज पढ़ी उसके बाद मस्जिद अक्सा से आसमान की तरफ जो जाना है वो मराज कहलाता है ठीक है तो मस्जिद अक्सा से आपको आलम बाला में ले जाया गया मराज अरबी में सीढ़ी को कहते हैं जो ऊपर चढ़ने के लिए इस्तेमाल होती है इस नस्बत से सफ़र के इस हिस्से को भी मराज कहा गया बेत बेशतर मुफसरिन के नज़दीक सुरतल नजम की जो आयत है आयत नंबर तेरह से अट्ठारह तक जो है उसको हम सुन लेते हैं कि तो वो क्या कहते हैं फिर इन... इसमें जो है ये फरमाया गया कि ये जो आए थे एक मरतबा फिर उसने शदतुलमनतहा के पास उसको उतरते देखा जहाँ पास ही जन्नतमा है उस वक्त सिदरा पर छा रहा था जो कुछ छा रहा था ना निगाह चुनवाई चुनियाई ना हंस मुतवाज ना हंस मुतजावज़ हुई और उसने अपने रब की बड़ी बड़ी निशानियाँ देखीं तो अब इसमें जो बताया गया ना कि ना, एक हम हदीस मुबारक भी देखते हैं इसमें जो कहा गया है कि आप ने इस आयत में लकद राम इन आयाति रबरा यानि आपने अपने रब की अज़ीम निशानियाँ देखी महराज की रात तो इसके मुतालिक बताया गया है कि नबी करीम सम ने रफ रफ यानी सब्ज़ फ़र्श को देखा जिसने आसमान के किनार किनारों को ढाँप लिया था ठीक है तो मुंदरजा बाला ये जो हमने आयत पढ़ी ना तेरह से अठारह नबी करीम करीब के आसमानों की तरफ़ जाने और शद्दतुलमता उसके आस पास की चीज़ों को देखने का सबूत मिलता है अब आसमान के सफ़र के बारे में हम जानते हैं महराज के बारे में पढ़ते हैं और जानते हैं, समझते हैं मस्जिद अकसा में तमाम अम्बिया की इमामत के बाद सवारी के लिए बुराक पेश किया गया आप दोबारा इस पर सवार होकर पहले आसमान तक गए जबील आलम ने आसमान का दरवाज़ा खुलवाया फ़रिश्तों की तरफ़ से पूछा गया कौन है अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं जिब्रील हूँ पूछा गया साथ कौन है बताया गया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है पूछा गया उनको पैगाम इलाही देकर भेजा गया है अलैहिस्सलाम ने कहा हाँ तब अंदर वाले फ़रिश्ते ने सुनकर कहा मरहा आप बहुत अच्छे आए आप सस्म फरमाते हैं मैं वहाँ पहुँचा तो आदम अलैहिस्सलाम पहले आसमान पे मौजूद थे अलैहिस्सलाम ने कहा कि यह आपके बाप आदम हैं उन्हें सलाम कीजिए मैंने उन्हें सलाम किया तो आपने जवाब दिया आ, मरहबा फ़र्जंद नबी सौल और आपकी की नबूत का अरार किया आप अब आप यहाँ देखें आदम आलम कह रहे हैं ठीक है यानी बेटा कह के पुकारते क्योंकि आदम सलाम हम सब के बाबा हैं तो आप मोहम्मद सभी उन्होंने कहा फर्जंद नबी और उनको वेलकम किया और आपकी नबूत का भी अकरार किया एक और रिवायत है कि आपने आसमान दुनिया में एक बुज़ुर्ग शख्स को बैठे देखा जिसके दाएँ और बाएँ तरफ कुछ सूरतें नज़र आईं दाएं तरफ़ देखते वो बुज़ुर्ग तो हंसते और बाएं तरफ देखते तो रोते मैंने अलैहिस्सलाम से पूछा ये कौन है तो जवाब दिया गया ये आदम है अलैहिस्सलाम ये दाएं जाने वाली और बाएं जाने वाली सूरतें उनके उनकी औलाद हैं दाएं तरफ वाले जन्नती हैं और बाएं तरफ वाले दोजक हैं इसलिए एक तरफ देख कर हंसते हैं और दूसरी तरफ़ देख के रोते हैं देखिए पैगम्बर अपनी कौम के लिए अपनी उम्मत के लिए कितने हरीस होते हैं कि वो जन्नत में चले जाएँ तो जन्नतियों को देख के वो खुश होते थे और देखते थे कि जो मेरी जो है जो बन, लोग जो है वो बुजुर्ग में जाएंगे तो वो रोते थे आदम आदमी नबी करी अल्लाह की से तो कुछ भी बही नहीं वो कुछ भी दिखा दे तो अल्लाह ताला ने ये सारी चीजें आप ससम को दिखाई नबी करीम ससम फरमाते हैं जबरीलम मुझे लेकर आगे बढ़े और दूसरे आसमान तक पहुँचे इसी इसी तरह सवाल जवाब हुए हर आसमान पे सवाल जवाब होते हैं ना कि आपके साथ कौन है वगैरह वगैरह जो मैंने अभी पढ़ा वहाँ मुझे ईसा और यहाँ आल मिले जो बाहम ख़ालाजाद भाई भी हैं तो हमें क्या पता चलता है ईसा और यहाँ आलम जो है उनकी माएँ बहनें हैं यानी वो खाला भाई हैं जमरीलाम ने कहा ये याया और ईसा औरसीम हैं उन्हें सलाम कीजिए मैंने सलाम किया दोनों ने जवाब दिया देखें इतना ज़रूरी है सलाम करना एक दूसरे को आसमानों पर भी सलाम हो रहा है तो दोनों ने जवाब दिया फिर कहा मरहबा बरदर सौलेहे और नबी सौ अब देखे ये फर्जन सौले नहीं कहते क्योंकि आदमी सलाम तो हमारे वालिद हैं ना बाप हैं तो बा, जब तो उन्होंने कहा फर्जन सौलह अब ये क्या कहते हैं दूसरे पैगम्बर मरहबा बरदर सौ यानी कि भाई मुसलमान एक दूसरे के भाई भाई हैं और पैगम्बर भी एक दूसरे से भाई भाई हैं तो बरदर सौले और नबी सौलहे और आपकी नबोबत का इकरार किया फिर इसी तरह उनसे कुछ बातें हुई इसे सही बुखारी ने रिवायत किया उसके बाद आप साम फरमाते हैं कि मुझे लेकर तीसरे आसमान की तरफ चढ़े जबलीसल्लम दरवाज़ा खुलवाया पूछा गया कौन जबलीसम ने कहा मैं हूँ पूछा गया तुम्हारे साथ कौन है उन्होंने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा गया उनके पास पैगाम इलाही देकर भेजा गया है जबलीसम ने कहा हाँ फ़रिश्तों ने यह सुनकर कहा मरहबा आप बहुत अच्छे आए दरवाज़ा खोला गया वहाँ पहुँचे तो देखा कि वहाँ अलैहिस्सलाम मौजूद हैं अलैहिस्सलाम ने कहा ये यूसुफ अलैहिस्सलाम है सलाम कहिए मैंने सलाम किया उन्होंने जवाब दिया उन्होंने कहा मरबा ब्रादर सौले और नबी सौ और आपकी नबूवत का इकरार किया एक और रिवायत में है कि आप ने फ़रमाया मैंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा अल्लाह ने हुसन का आधा आधा हिस्सा उनको दिया था इसके बाद जिब्रील अलैहिस्सलाम मुझे लेकर आगे जब भी तो वो अजीज़ मिस्र की बीवी जो थी उस पर उनको उनके, उनके उनके पीछे जो है उनको वर्गलाया और जो है आप ताला ने जो है यूसुफ़लम को बचा लिया उसकी वर्गलाने से इसके बाद जबरी मुझे लेकर आगे बढ़े चौथे आसमान पर इसी तरह सवाल जवाब हुए इदरी वहाँ मौजूद थे सलाम दुआ हुई उन्होंने भी इसी तरह बरदर नबी सवाल कहकर मरबा कहा और आपकी नबूबत का इकरार किया इसके बाद जबरी पाँचवें आसम आसमान तक आगे बढ़े वहाँ भी इसी तरह सलाम दुआ हुई हारून आल साम वहाँ मौजूद थे उन्होंने भी नबी सौलह ब्रादर सौल कहकर मरबा का और आपकी नबूत का अकरार किया उसके बाद आगे छठे आसमान तक चढ़े दरवाज़ा खुलवाया गया इसी तरह सवाल वजवा मरबा का और आपकी नबूत का अकरार क्या यहाँ पर मूसा असलम मौजूद थे आप उन्हें छोड़कर आगे बढ़े तो वो रोने लगे पूछा कि आपके रोने की वजह क्या है उन्होंने कहा मैं इसलिए रोता हूँ कि ये नौजवान नबी सल्लम मेरे बाद मबूस हुए उनकी उम्मत के लोग मेरी उम्मत के लोगों से ज़्यादा तादाद में जन्नत में जाएंगे देखिए ये भी अपने, सलाम भी कितने परेशान होते हैं कि मेरी उम्मत के लोग जो है आप स की उम्मत के मुकाबले में कम होंगे जन्नत में जाने की तादाद कम होंगी इसके बाद सातवें आसमान पर पहुँचे दरवाज़ा खुलवाया पूछा गया कौन है कहाँ मैं जबरील हूँ पूछा गया सलाम तुम्हारे साथ कौन है उन्होंने कहा मोहम्मद सल्लम है पूछा गया उनके पास पैगाम इलाही देकर भेजा गया है सलाम ने कहा हाँ फ़रिश्तों ने यह सुनकर कहा मरहबा आप बहुत अच्छे आए जब मैं वहाँ पहुँचा तो इब्राहिम आल साम को मौजूद पाया जी जबनील अलैहिस्सलाम ने कहा यह आपके जद्दे अमजद इब्राहिम हैं उन्हें सलाम कीजिए मैंने सलाम किया उन्होंने जवाब दिया फ़रमाया मरहबा फरजंदे सौल नबी सौल बेटा कहकर पुकारा आपकी नबूवत का इकरार किया वहाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम इब्राहीम मामूर के साथ टेक लगा कर बैठे हुए थे अब हमीस से मुबारक देखते हैं कि बैतलम के, के मुतल क्या हदीस है नबी करीम से फ़रमाया मुझे बैतुल मामूर दिखाया गया मैंने जबरीम से पूछा इसके बारे में तो उन्होंने बताया कि बैतुल मामूर है इसमें सत्तर हज़ार फरिश्ते रोज़ाना नमाज पढ़ते हैं और एक मरतबा पढ़ कर जो इससे निकल जाता है तो फिर कभी दाखिल नहीं होता और मुझे भी दिखाया गया उसके बाद हम देखते हैं सैदना अब देखें फरिश्ते कितने सत्तर हज़ार फरिश्ते रोज़ाना नमाज़ पढ़ते हैं और इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कि अल्लाह ताला के जुनूद लश्कर बहुत हैं मेरे लश्कर को कोई नहीं जानता कि कितने अब आप देखें वो सत्तर हज़ार फरिश्ते रोज़ाना नमाज़ पढ़ते हैं एक मरतबा पढ़कर जो निकल जाता है तो फिर कभी भी उसकी दोबारा बारी नहीं आती यानी कितने फरिश्ते हैं अनगिनत गिनत ला तादा सुबहान अल्लाह अल्लाह के लश्करों का क्या कहिए सैदना इबन अब्बास से मरवी है कि आप एक ऐसे मकाम पर पहुँचे जहाँ पर जबरी सलाम ने आपका साथ छोड़ दिया तो इस पर आप सब फ़रमाया ऐसे मकाम पर भी कोई दोस्त अपने दोस्त को नहीं छोड़ता आप मेरा साथ क्यों छोड़ रहे हैं तो जबरी सलाम ने फरमाया अगर मैं इस मकाम से आगे बढ़ूँ तो नूर से जल जाऊँगा उसके बाद आपको मुंतहा तक ले जाया गया इसके बेर हिजर के मटकों के बराबर और उसके पत्ते हाथी के कान की तरह थे फिर उस पर सोने के पतंगे छा गए और अल्लाह के हुक्म से जो कुछ छाना था छा गया इससे वो सिदरा बेरी का दरख्त तब्दील होकर इतना खूबसूरत हो गया कि अल्लाह की कोई मखलूक उसका हुसन बयान करने की ताब नहीं रखती उस वक्त अल्लाह ताला ने अपने बंदे को वही फ़रमाई और आप पर आपकी उम्मत पर पचास वक़ी नमाज़ें फ़र्ज कें अब हम देखते हैं स्क्रीन पे भी आपके पास हदीस मौजूद है कि मेराज की शब्द जब रसूल समसन को ले जाया गया तो जबरीम आपको ले कर पहुँचे अब शदरतलमता क्या है यह छठे आसमान पर है जो चीज़ें नीचे से ऊपर चढ़ती हैं यहीं ठहर जाती हैं और जो चीज़ें उसके ऊपर से उतरती हैं वो यहीं ठहर जाती हैं यहाँ तक कि यहाँ से वो ली जाती हैं इब्ने मसूद रद ने आयत करीमा इस यक्ष सिदरता माँ यक्षशा जबकि सिदरा को ढाँप लेती थी वो चीज़ें जो उस पर छा जाती थी पड़ी और इसकी तफसीर बयान करते हुए कहा कि वह सोने के परवाने थे सुबह अल्लाह तो वहाँ आपको तीन चीज़ें दी गई पाँच नमाजें सुरतलबरा आखिरी आयतें और आपकी उम्मत में से उस शख्स की कबीरा गुनाहों की बख्शिश जो अल्लाह के साथ बग़ैर कुछ शिरके की के, के बग़ैर शिरके मरे जो शिरत नहीं करेगा अल्लाह के साथ उसकी बख्शिश हो जाएगी और पांच नमाजें हमें दी गई बकरा की आखिरी आयतें दी गई बकरा की आखिरी आयतें ज़रूर पढ़ के सोया करें घर में बकरा चलाया करें ख़ुद भी पाव पारा सवा पारा एक पारा ज़रूर मैं और मेरे और आपके लिए लेसन है कि बकरा हम ज़रूर पढ़ें शैतान घरों से भाग जाते हैं उस घरों से और ज़रूर पूरी तो ज़रूर चलाया करें और सुना करें और नमाज का अहमाम करें ये हमें कहाँ से मिला है ये तोहफ़ा मिला है आसमान से ये देखे, मेराज की रात मिला है ना तीन चीजें दी गई को जिसमें नमाज भी थी ठीक है उसके बाद हम देखते हैं मुबारक ने फरमाया जबरी शिद्दत मुताज तक ले गए जिसे कई तरह के रंगों ने डांक रखा था जिनके मुताक मुझे मालूम नहीं हुआ कि वो क्या है सुबह नबहान अल्लाह अल्ला। वापस आते हुए मूसा से आपकी मुलाकात हुई तो तो हमने आपसे आपको कहा क्या हुक्म मिला अब मूा हमारे लिए कितने फिक्रमंद होते हैं देखें आपने जवाब दिया एक दिन रात में मुझ पर और मेरी उम्मत पर पचास नमाजें फ़र्ज की गई हैं मूा ने कहा आपकी उम्मत एक दिन रात में पचास नमाजें ना पढ़ सकेगी मैं नबी बनी ईसाइल का खूब तजर्बा कर चुका हूँ मैं बनी ईसाइल का खूब तजर्बा कर चुका हूँ और जो है आप कमी की दरख्वास्त लेकर अपने रब के पास जाए मूसा के फरमाने पर आप अल्लाह के पास वापस गए और कमी की दरख्वास्त की अल्लाह ने आपकी दरख्वास्त को कबूल फ़रमा लिया कबूल आप की दरख्वास्त को कबूल फरमा कर दस नमाजों की तखफीफ़ फरमाई उसके बाद आप मूसा आलम के पास आए तो उन्होंने पूछा क्या हुआ आपने कहा कि दस नमाजों की कमी कर दी गई है ये सुनकर मूसा ने जवाब दिया अब फिर वापस जाइए और तखफीफ की दरख्वास्त कीजिए आप वापस गए अल्लाह ताला से तखफीफ की दरख्वास्त की अल्लाह ताला ने उसके बाद दस नमाज़ों की कमी कर दी यूँ आप मूसा आप ससम की मूसा आलम और अल्लाह ताला के दरमियान आमदो जारी रही यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने तँच नमाजें कम कर दी उसके बाद आप ससम फिर वापस आए तो मूसा आलम आप जब फिर वापस आए तो मूसा आलम ने कहा जाओ और कमी करो मुझे इतनी पसंद आती मूसा की बात कि बार बार कमी करवाते हैं वो जाओ और कमी कराओ आप सब कहा अब मुझे शर्म आती है जो अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ किया है उस पर राज़ी हूँ आप सब फ़रमाया जब मैं वहाँ से वापस आया तो एक पुकारने वाले ने पुकार कर कहा मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया और बंदों के लिए तखफीफ़ कर दी ये पांच नमाज अजर में पचास के बराबर होंगी इसे बुखारी ने रिवायत किया मुझे इतना वो होता है जो नमाजें आप सफ फरमा रहे हैं कि अब मुझे शर्म आती है कि मैं और कम करवाऊँ सलाम को फरमाते हैं ठीक है कि पाँच से भी कम फरमाऊ और पाँच का अजर जो है पचास के बराबर है इन शह तो मैं कहती हूँ कि आप फरमा रहे हैं कि मुझे शर्म आती है और हम देखें नमाजें कजा हो जाती हैं छूट जाती हैं कभी शाम के वक्त बाजार में होते फजर के वक्त गहरी नींद होती है अल्लाह तला हमें माफ फरमाए अल्लाह के रसूल कह रहे हैं कि मुझे शर्म आ रही है या अल्लाह हमें भी शर्म आए फर्स्ट लेसन फॉर ही कि मुझे भी शर्म आए कि अल्लाह अल्लाह से शर्माए डरे क्योंकि सबसे पहले तो नमाज का हिसाब होगा सबसे पहले नमाज का हिसाब अल्लाह ताला लेंगे और अगर फ़र्ज हमारे कम हुए तो नवाफिल से पूरी की जाएगा उससे भी कम हुए तो सुन्नतों से तो हमारे पास तो वैसे ही हमारी तमाम इबादत है माशा सुबह अल्लाह कैसी हैं दिल कहाँ है जहन कहाँ है और क्या पढ़ रहे होते हैं क्या कह रहे होते हैं अल्लाह तला तो में माफ़ करे और हमारी नमाजें अच्छी हो जाए अल्लाह ताला हमें तोफ़ी दे के नमाज़ें अच्छी करें वक्त पे पढ़ें और एक भी ना छोड़ें उसके बाद हम देखते हैं इसके अलावा चंद और मुशाहदाद दीगर कुत्ब में मजबूर हैं स्वतोलबकर की आखिरी दुआयात भी के खजाने से अता की गई फिर नहर कोसर और जन्नत का मुशाह शदतमत पर बहुत से अजायबा का मुशाहा करने के बाद रसूल सद ने फरमाया फिर मुझे जन्नत में ले जाया गया तो मैंने वहाँ देखा कि मोतियों के कुबे हैं और उसकी मट्टी कस्तूरी है रसूल आसम ने फरमाया कि मैंने जन्नत देखी तो उसमें से एक खोशा लेना चाहा अगर मैं ले लेता तो उस वक्त तक तुम तो उसे खाते रहते जब तक दुनिया मौजूद है सिर्फ एक खुशी से हम इतना खाते जन्नत कितनी नेमत भरी चीज जगह कितनी आ, आ, कैसी जगह आप देखें उसके बाद फरमाया कि जन्नत में आपने नहर कौसर का मुशाह फरमाया हज़रत हज़रतस रजियाँ से रिवायत है कि नबी के रसफ़ ने फरमाया मैं एक नहर पर आया उसके दोनों किनारे मोतियों और खुबों खुबों के थे मैंने पूछा जबरीलम ये क्या है जबरील ने क्या ये कौसर है अब इब्राहिम इब्राहीम का हम देखते हैं उम्म मोहम्मद के नाम खसूस पैगाम इब्न मसूद बयान करते हैं कि रसूल ने फरमाया महराज की रात मेरी मुलाकात हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से हुई उन्होंने कहा अहम्म अपनी उम्मत को मेरी तरफ से सलाम कहिए और उनको बताइए कि जन्नत की मरती बड़ी उम्दा है उसका पानी मीठा है लेकिन वो चटियल मैदान है उसमें काशकारी की ज़रूरत है और उसकी काशकारी सुबह अल्लाह व्हमद लाही पढ़े मेरे साथ अल्लाह ना अकबर अल्लाह पाक है और तमाम तारीफ अल्लाह ही के लिए इसके सिवा कोई इला नहीं और अल्लाह सबसे बड़ा है तो ये खूब इसका बिरद रखे और रहमतुल्लाहि व बरकातहू हमें सलाम भी भेजा इब्राहीम ने आप के के हाथ में रात अच्छा उसके बाद कुछ सजाएं भी आप को दिखाई गईबत करने वालों का अंजाम बद अनस रदानों से रिवायत है कि रसूल अल्लास ने फरमाया मेराज के मौके पर मेरा गुजर ऐसे लोगों के पास से हुआ जिनके नाखून पीतल के थे वो अपने चेहरों और सीनों को नोच रहे थे मैंने पूछा जबील ये कौन लोग हैं जबीलम ने कहा ये वो लोग हैं जो लोगों का गोश खाया करते थे उनकी इब्त करते थे फिर दूसरा चीज़ दिखाई गई बेअमल खुतबा का इबरतनाक अंजाम अनस रिवायत है कि रसूल ने फरमाया मैंने मेराज की रात कुछ लोगों को देखा उनके मुंह आँख की कैंचियों से काटे जा रहे हैं मैंने पूछा जबरील ये कौन है ये कौन लोग हैं जबरीलम ने कहा यह आपकी उम्मत के वो खतीब हैं जो लोगों को तो भलाइयों का हुक्म देते हैं ख़ुद उन पर अमल नहीं करते हालाँकि वो किताब भी पढ़ते हैं और बस वो नहीं समझते ख़ीब कौन होते हैं जो खुतबे देते हैं मस्जिदों में है ना वो एक तो वो खुतबा हुआ फिर दूसरा ये कि जो दरस व तदरीस के काम कर रहे होते हैं जो दर्स दे रहे होते हैं जो भी किसी भी लेवल पर लिख के कर रहे होते हैं या जबानी कर रहे होते हैं कलम से कर रहे होते हैं किसी तरह भी अल्लाह का पैगाम पहुँचा रहे होते हैं खुतबे दे रहे होते हैं फिर हम देखते हैं कि एक और हदीस मुबारक नबी करीम को मराज हुई अच्छा वो उसके लिए सूद वाली हदीस देखते हैं सूत खोरों के लिए रसूल सलम ने फरमाया महराज की रात मुझे कुछ लोगों के पास से गुज़रा जिनके पेट मकानों के माने थे जैसे बड़े बड़े हमारे मकान होते हैं हाउसेज़ होते हैं उनमें बाहर से सांप दिखाई देते थे मैंने कहा जबरील सलाम ये कौन लोग हैं उन्होंने कहा ये सूत खोर हैं सूद के मुतालिक सूरतराफ़ और हमारी सूरतों में हमने बहुत तफसीर की है माशाल्लाह कि सूद लेने वाला सूद देने वाला दोनों का ये आलम होगा अच्छा उसके बाद हम देखते हैं बयान इस और महराज पर अहल मक् का रद्द अच्छा अब एक और हदीसी मुबारक हम देख लेते हैं कि बीबी आयशा रदिया फरमाती है उनसे पूछा गया ए ईमान वालों की माँ ए ईमान वालों की माँ वो हदीस दिखा दें बीबी आयशा रदिया की जिसमें वो कहती हैं कि आप ससम ने नहीं देखा अल्लाह ताला को अजरत आयशा रदा से पूछा गया कि ए ईमान वालों की माँ क्या मोहम्मद ससम ने मेराज की रात में अपने रब को देखा था आयशा रदी ने कहा तुमने ऐसी बात कही कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए क्या तुम उन तीन बातों से भी वाकिफ ना वाकिफ हो जो शख्स भी तुम में से ये तीन बातें बयान करे गौर से सुने कौन सी तीन बातें वो झूठा है जो शख्स ये कहता है कि मोहम्मद ससन ने शब मराज में अपने रब को देखा था वो झूठा है आप ने रब को नहीं देखा था अल्लाह को नहीं देखा था शब मराज में ठीक है वो झूठा है जो शख्स ये कहता है कि मोहम्मद सफसन ने शब माज में, में अपने रब को देखा था वो झूठा है फिर उन्होंने ये आयत लात लातुदल अबसार वहुआ रिक अबसार वो लतीफ़ुल ख़बीर सुन ले के मैं मम वरा हिजाब तक की तिलावत की और कहा कि किसी इंसान के लिए मुमकिन नहीं कि अल्लाह से बात करे सिवा उसके के वही के जरिए हो या फिर पर्दे के पीछे से हो और जो शख्स तुमसे कहे कि नबी ससम आने वाले कल की बात जानते थे वो भी झूठा है इसलिए कि उन्होंने आयत वद्री नफस माजा तकसम गदन यानी और कोई शख्स नहीं जानता कि कल क्या करेगा हमको नहीं मालूम कल हम क्या करेंगे मर जाएंगे जिंदा है क्या खाएंगे क्या पियेंगे उसकी तिलावत फरमाई और जो शख्स तुम से कहे कि नबी सर ने तबलीग दिन में कोई बात छुपाई थी वो भी झूठा आप ने कुछ भी नहीं छुप छुपाया फिर उन्होंने ये ये, ये आयत तिलावत की या यो रसूल बल्ले माज़िला मर्रबिक ए, ए ए रसूल पहुंचा दीजिए वसल्लम वो सब कुछ जो आपके रब की तरफ से आप पर उतारा गया हाँ नबी कर अलैहिस्सलाम को उनकी असल सूरत में दो मर्तबा देखा था ठीक है तो बयान इसरा महराज पे एले मक्का का रद्द अब ज़ाहिर आप ससम महराज से वापस आ गए तो इसी रात अब देखे क्या होता है इसी रात नबी का ससम वापस मक् तशीफ़ लाए मौलाना जफर अली ख़ान ने क्या खूब कहा है जंजीर भी हिलती रही बिस्तर भी, भी रहा गरम जंजीर भी हिलती रही बिस्तर भी, भी रहा गरम इक पल में सरे अरश गए गए आए मोहम्मद इक पल में सरे अरश गए आए मोहम्मद अगली सुबह अफसर ने कौम को गुजशत रात के बारे में बताया कि इस तरह मुझे असरावाल मराज हुई सही मुस्लिम में है कि अल्लाह के सद ने फरमाया मराज का ये वाक़ा जब मैंने मश्रकिन मक् को सुनाया तो उन्होंने इसकी तरदीद और तकजीब की किसी ने तालियाँ बजाई किसी ने ताजुब और इनका से हाथ अपने सर पर रख लिया कुछ लोग अबू बकर सिद्दीक रदलानों के पास गए और उन्हें उसकी खबर दी वो एक पैकर करे सिर को ईमान थे कहने लगे अबू बकर सिद्दीक अगर ये बात आपने आप सब सुने फ़रमाई है तो सच फरमाई है लोगों ने कहा आप भी उनकी तस्दीक करते आप सब सुने तो अबू बकर सिद्दीक ने जवाब दिया मैं तो इससे भी बड़ी बात पर आपकी तस्दीक करता हूँ वसल्लम की कि आसमान से सुबह शाम जो ख़बर आती है मैं उसमें भी आपको सच्चा मानता हूँ उसी पर उनका नाम उनका लक़ब सिद्दीक़ ठहरा अबू बकर सिद्दीक़ रद ईज़ा रसानी और बेयकनी के जज्बात से मगलूब होकर कुफार ने आपका इम्तिहान लेने की ठानी पूछा कि बैतुलमक़दस कैसा है उसकी क्या अलामतें हैं सही मुस्लिम में आपका इर्शाद न करे कि अल्लाह ताला ने बैतुल बैतुलु़दस मेरे सामने जाहिर फरमाया और जो बातें और निशानियाँ मशरकिन दरियाफ्त करते मैं देख देख कर बताता जाता वो यूँ वो आपकी तरद और तकजीब का जो जज्बा लिया आए थे उसकी यकसर नफी हो गई यही कह सके कि जहाँ तक औसाफ का ताल्लुक है तो आप ससरे ने बिल्कुल ठीक ठीक बयान किया है उन्होंने अपने एक काफ़िले के मुतालिक भी सवाल किया जो मुल्क शाम से आ रहा था तो आप सफसर ने उस काफ़ले के अहवाल उसके पहुँचने का वक्त और जो ऊँट आगे आगे आ रहा था उस उन सब की खबर दी और जैसा आपने बतलायान उसी तरह हुआ आप सबसे ने कुछ और बातें भी बताई और बाद में आने वाले काफ़िलों से उनकी तस्दीक हो गई जिस तरह इस तरह क्या हुआ ज़बाने बंद हो गई जब काफिले वालों ने भी कहा सब बताया मगर दिल यही सोचते रह गए कि ये कैसे हो सकता है अब भी बहुत से लोग यही सोचते हैं कि कैसे हो सकता है हालांकि अल्लाह ताला हर चीज पर क़ादर है मेरी बहनों वह वाला कुलिशाइन कदीर और जब वो किसी बात का इरादा कर लेता है तो उसे सिर्फ कन हो जा कहने की ज़रूरत होती है कन अल्लाह तला कहते कन और फ़ैक़ुन वो हो जाता है और अल्लाह तला को तो कुन फ़ैक़ुन कहने की भी ज़रूरत थी मेरा और आप देखें कि हजरत अब का सिद्दीक जो है एक काफिर के मुंह से सुनते हैं अबू लहाब की जबानी तुम्हारे साहब तो आज ऐसी बातें कर रहे हैं कि उन्हें आसमानों की सैर कराई गई तो अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि हाँ, मैं तो जब आप ससन ने कहा तो मैं इसकी तस्दीक करता हूँ मैं तो इस पर इससे भी बड़ी बात पर आप ससन की तस्दीक करता हूँ कि सुबह शाम आप पर जो वही नाजिल होती है मैं उसको भी मानता हूँ जो आसमान से नाजिल होती तो एक मुसलमान आप अबू बकर सिद्दीक रदीन काफिर की बात जब आप ससम के मुतालिक बताई तो तस्दीक कर लेते हैं और एक काफिर लहाब वगैरह आप ससम की जबान ही सुनते हैं तो तस्दीक नहीं करते नहीं मानते तो ये फर्क होता है कि ईमान वाले एक मुसलमान और एक काफिर में मेराज के दौरान नबी करीम ससम को जो भी मुशाह कराए गए उनमें हमारे लिए मेरी बहनों बहुत से सबक हैं जिनमें क्या कर दीजिए उजमा बहन किसी को हमारी किसी बहन भूल गई है आवाज़ें आ रही हैं लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं तो म्यूट कर दें अगर हमारी बहन सुन रही है तो वो म्यूट कर दें प्लीज़ अच्छा उसके बाद हम देखते हैं कि ये फ़र्क़ होता है एक मुसलमान और इसमें अब हम देखते हैं कि हमें क्या सबक मिलते हैं सबसे पहला सबक तो हमें मिलता है अहम तरीन कि हम अपनी नमाजों की पाबंदी करें जिनका हुक्म अल्लाह ताला ने इस मौके पर नबी करीम सम को दिया अर्श के अर्श का ख़ज़ाने में से बकरा की दो आयतें भी वहीं से मिली उसकी भी खूब खूब वैसे भी कुरान पढ़ें और वैसे भी खूब खूब तिलावत करनी चाहिए हमें उसके बाद हम देखते हैं कि हमें जो दूसरा सबक मिलता है कि उस जन्नत के लिए कोशा हों जिसका मुशाह आपने बन नफ़ नफीस फरमाया उस जन्नत के लिए कोशिश करें इस दुनिया में रहकर हम क्या करने आएँ कि वो जन्नत तलाश करें उसके लिए तगोद करें उसके लिए सही करें जद्दोजहद करें।, करें कोशिश करें ऐसे अमाल करें कि हम उन जन्नतों के वारिस बन जाएँ ठीक है उसके बाद हम ये देखते हैं कि इब्राहिम आसलम के खूसी पैगाम के मुताबिक कसर से जिक्र लाई करें उन्होंने तीसरा कलमा बताया वैसे तो उसको दुआ कहते हैं लेकिन हम लोगों ने इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश हम लोगों ने उसका नाम तीसरा कलमा रख दिया है तो बहरहाल उसमें भी वो जिक्र करें खूब और दूसरों की गिबत से परहेज़ करें क्या आपने देखा कि किबत जो कर रहे थे उनका क्या असर है उनका असर क्या है कि पीतल के नाखून है अपने चेहरे और गले को नोच रहे हैं क्योंकि दुनिया में भी लोगों का गोश्त खाते हैं गिबत करना तो ऐसा ही है कि अपने भाई का गोश्त खाना और जो बात दूसरों को कहें उस पर ख़ुद भी अमल करें जो खुदबात है जो खुद खतीब हैं उनका हाल देखा उनका भी हमने देखा सज़ा क्या है तो यह कि जो बात कहें उस पर ख़ुद भी अमल करें उसके बाद हम देखते हैं कि अनस बिन मालिक रदी रिवायत करते हैं कि रसोल ने फरमाया मेरे घर की छत जब महराज पे ले जाया जा रहा था मेरे घर की छत खोल दी गई उस वक्त मैं मक्के में था फिर जबरील उतरे उन्होंने मेरे सीने को चाक किया फिर उसे जमज़म के पानी से धोया फिर एक तश्त सोने का हिमत व ईमान से भरा हुआ लाए उसे मेरे सीने में डाल दिया फिर सीने को बंद कर दिया उसके बाद मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे आसमान की तरफ ले कर चले फिर हम देखते हैं कि मेराज के दीगर वाक़ अबू अन्हु से रिवायत है कि रसूल वसम ने फरमाया मैंने अपने आप को हतीम में देखा और क्रैश मुझसे मेरे मराज पर जाने के बारे में सवाल कर रहे थे तो उन्होंने मुझे मुझसे बैतुलमुक़दस की चंद ऐसी चीज़ों के बारे में पूछा जिनको मैं महफूज ना कर सका मुझे उसका इतना ज़्यादा अफसोस हुआ कि उतना उससे पहले कभी ना हुआ था उसके बाद अल्लाह ताला ने बैतुल बैतुलमुक़दस को उठाकर मेरे सामने कर दिया मैं उसे देखने लगा अब जो बात वो पूछते थे मैं उन्हें बता देता और मैंने अपने आप को अम्बिया आल्लाम की एक जमात में देखा और मूसा ल्लाम को खड़े हुए नमाज़ पढ़ते देखा गोया के वो मयाना तन व तो के और घटे हुए जिसम के एक आदमी हैं जिसे कबीला श... जैसे कबीला शनु के लोग होते हैं और हज़रतिन मरियम को खड़े हुए नमाज़ पढ़ते हुए देखा तो लोगों में सबसे ज़्यादा उनसे मुशाबावा बिन मसूद सख् रदील्लानो हैं और हज़रत इब्राहीम को खड़े हुए नमाज़ पढ़ते हुए देखा लोगों में से ज़्यादा उनके मुशाबा तुम्हारे साथी हैं यानी अपने आप को यानी आप किससे मुशाबत रखते हैं हज़रत इब्राहिम से यानी आप आपलम इसके बाद नमाज का वक्त आया तो मैंने इमामत करवाई फिर मेरे नमाज से फारिग होने पर एक कहने वाले ने कहा कि मोहम्मद ये मालिक है जहनम का दा मालिक है जहनुम का दारोगा है उनको सलाम कीजिए मैंने उसकी तरफ देखा तो उसने खुद पहले मुझे सलाम किया फिर हम देखते हैं बुराक बुराक के मुतालिक अभी हमने हदीस पढ़ ली थी फिर हजरत अनस कि मेराज की रात नबी अलैहि वसल्लम के लिए बुराक लाया गया जिसको लगाम डाली हुई और जैन कसी हुई थी उसने शोखी की तो हज़र जबरी ने फरमाया क्या तू मोहम्मद के साथ ऐसी शोकी कर रहा है आज तक तुझ पर अल्लाह के नज़दीक उनसे ज़्यादा मोज़ सवार नहीं हुआ रावी कहते हैं फिर बुर्राख़ को पसीना आ गया उसके बाद हम देखते हैं कि मुख्तलिफ अम्बिया की उम्म, उम्मतों को देखा आप सब अब्बास से रिवायत है कि जब नबी नबीसम को आसमान की सैर करवाई गई तो आप ससम का ऐसे नबी या नबियों पर से गुज़र हुआ कि उनके साथ एक कौम थी फिर किसी नबी या नबियों पर से गुजरे तो उनके साथ एक जमात थी फिर ऐसे नबी या अम्बिया पर से गुज़र हुआ कि उनके साथ एक आदमी भी नहीं था यहाँ तक कि यानी उन्होंने इतनी तबलीग के बावजूद भी कोई ईमान नहीं लाया तो यहाँ तक कि एक बड़े मजमे के पास से गुजरे तो पूछा ये कौन है कहा गया कि मूसा सलाम और उनकी कौम है आप ससम को सर बुलंद आप ससम को कहा गया कि सर बुलंद कीजिए और देखिए आप सस ने फरमाया अचानक मैंने जमे गफ़ी देखा जिसने आसमानों के दोनों जानब को घेरा हुआ है फिर कहा गया ये आप ससम की उम्मत है उनके अलावा सत्तर हज़ार आदमी और हैं जो बग़ैर हिसाब किताब के जन्त में दाखिल होंगे यानि कि आप सच की उम्म के लोग बहुत ज़्यादा होंगे दूसरे अम्बिया के मुकाबले में तादाद ज़्यादा होगी और हाँ आप सबकी उम्म के सत्तर हज़ार लोग ऐसे होंगे जिनका कोई हिसाब किताब नहीं होगा बग़ैर मुआज़े के बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल हो जाएंगे तो अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें भी इलाम वजल हम अल्लाह हमें उनमें से बना दीजिए कि बग़ैर हिसाब किताब के हम जन्नत में दाखिल हो जाए आमीन या रब्ल आमीन और ये सत्तर का हज़ार का जो है तफसीर आपने सही बुखारी में पढ़ ली थी आ, मैं कोशिश करूँ कि हम सही बुखारी की भी डाला करें ना रिकॉर्डिंग्स ताकि आप लोग उसको भी कवर कर लें इनशा हज़रत इब फिर हम देखते हैं हज़रत जबरीलम को असद सूरत में देखा हज़रत मसूद वलक़द ने नज़रत नज़रतलुरा की तफसीर में मरवी है कि नबी ने फरमाया मैंने शदरतुलमतहा के पास जबरील को देखा उनके छः सौ पर इन्शार। थे छ सौ पर थे जिनसे मोती या याक़ूत झड़ रहे थे उनमें से हर पर ने उफक को कर रखा था उनके परों से मुख्तफ रंगों की चीजें मोती और याकूत गिर रहे थे जिनको अल्लाह ताला ही बेहतर जानता सुबह अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्ला, अल्ला। फरिश्तों का सिंगी लगवाने की वसीयत करना फिर हम देखते हैं कुछ आदि से मुबाक तो उसकी तफस भी हमें आ जाएगी कि कब लगवानी चाहिए क्या तारीखें रसूल अल्लाह ने फरमाया रसूल ने फरमाया कि इसरा वाली रात मैं फरिश्तों की जिस जमात के पास से भी गुजरा उसने यही कहा कि महम्मद वसम स्था अपनी उम्मत को हिजामा का हुम फ़रमाएं हिजामा सिंगी ना एक ही चीज़ है उसके बाद हम देखते हैं कि अनस रदाना से मर भी है कि आप गर्दन की दो पोशीदा रगों और गर्दन के करीब बाला हिस्से में सिंगी लगवाया करते और आप सत्रह उन्नीस इक्कीस तारीख को सीगी लगवाते चाँद की ठीक है तो ये, ये हमारी इस ल्यूनर कैलेंडर इस्लामी तारीख है तो ये तारीखों को हजामा करवाना चाहिए उसके बाद जुमेरात के दिन अल्लाह की बरकत पर सिंगी लगवाओ जबकि पीर और मंगल को सिंगी लगवाओ अगर तारीखें ना हो आप दिन लें तो जुमेरात के दिन हिजामा करवाएं और पीर को और मंगल को हिजामा करवाएं ठीक है थीके? तो हमें हजामा की आयतें हमें पता चलती हैं सही है उसके बाद हम देखते हैं कि अलैहिस्सलाम की फजीलत में और कुछ देख लेते हैं कि इबन मसूर रद्न से रिवायत है कि माँ कजब अलफा माँ राई की तफसीर में मलवी के रबी ने अफजी को बारिक रेशमी हुल्ले में देखा उन्होंने आसमान और जमीन के दरमियान तमाम हिस्से को पुर कर रखा था और फिर फरमाते हैं कि जबरी को देखा गोया के वो रेशमी लिबास पहने हुए थे उनके पाँव मोतीयों की तरह थे जैसे सब्जे पर बारिश के खतरे हों फिर एक और उसमें फ़रमाया जाबिर रद्द ना से रवायत रसौल ने फ़रमाया इसरा वाली रात फ़रिश्तों के पास से गुजरा ज़िबरी सलाम की खशियत की वजह से ज़बरी सलाम बोशीदा टाट की तरह लग रहे थे ठीक है उसके बाद हम देखते हैं कि इन देखते हैं कि रजब जो है उसकी हम बिदात देख लेते हैं कि इसमें क्या बिदात होती है और प्लीज़ जिन बहनों ने नहीं सुना है शाबान पे उसको ज़रूर सुने ना हमारी आंखें खुल जाती है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना ज़रूर रिकॉर्डिंग सुने ठीक है तो अब क्या होता है कि रजब में क्या क्या बिदात होती सबसे पहले तो माय रजब में की जाने वाली बिदात कुर्बानी का अहमाम उसमें कुछ लोग कुर्बानी करते हैं जो कि दौरे जाहिलियत की रस्म है जाहिल अरब जो थे वो क्या करते थे कि अतीरा के नाम पर इस महीने में बकरी की कुर्बानी क्या करते थे रजब में और ज़बा की गई बकरी की खाल किसी दरख्त पर डाल देते थे उसे रजबियतन रजब वाली कुर्बानी कहा जाता था बुखारी और मुस्लिम की रिवायत में अबू रसूल रसूलसम से रिवायत करते हैं कि ला फ़रा वला अतीरा फ़रा और अतीरा कुछ नहीं ऊटनी का पहला बच्चा जो बुतों के नाम पर परबा किया जाता था वो फ़रा कहलाता था तो, तो ऐसा कुछ नहीं है कुर्बानी नहीं करनी खूसी नमाज का एहतमाम ठीक है जिसको सलातुलरब कहते हैं बाद लोग इस माह में यानी रजब में खसूसी नमाज़ सलातुलरब पढ़ते हैं रजब के पहले जु, जुमे की रात को बारह रकात, छः सलाम से पढ़ी जाती है जिसमें श्रोत अख्लास के बाद हर रकत में तीन मरतबा कदर पढ़ी जाती है ना, ना। फ़ी लैलतुल कदर ये बिदत चौथी सदी में शुरू हुई जिसकी कोई असलियत नहीं इमाम इब्ने तैमिया लिखते हैं कि तमाम ने इजमा के साथ इस नमाज को मौजू मन गड़त करार दिया है फिर उमरे का एहतमाम करते हैं लोग इस माम में रजब में खसूस तौर पर उम्रे का एहतमाम भी करते हैं जबकि कुरान हदीस से इस बात का कोई सबूत नहीं मिलता कि आप सब सब ने इस माम में उम्रा अदा किया हो बल्कि हजरत आयशा रदी ने एक मौके पर इसकी तरदीद भी की है और बिन जुबैर से रिवायत है कि मैंने आयशा रदीना से इसके बारे में पूछा तो फरमाया कि मा तमरा रसूल्ला फ़ी रजबिन कत्तूँ यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी रजब में उम्रा अदा ना फरमाया ठीक है उसके बाद रोज़ों का अहमाम किया जाता है बाद लोग असल में हमारा दौरा कुरान चल रहा था ना तो मैंने कहा अल्लाह बीच में गैप ना दूँ तो ये हमारा रजब पे रह गया था तो बहरहाल हमें एज़ अ स्टूडेंट ऑफ़ कुरान हमें मालूम होना चाहिए ना तो आपको पता है हम तो सारे सीजनल भी कवर करते हैं ये सीज़नल दुरुस् हो रहे हैं हमारे माशा और सारे टॉपिक्स भी अल्लाह ताली कवर करता है मेरी और आपकी कोई आ, वो नहीं है अल्लाह की तोफ़ी से सब होता है अल्लाह तौर और हमें तोफ़ी दें हम ज्यादा से ज्यादा दीन का इल्म हासिल करें ताकि म्मत के अंधेरे छटे दूसरों को भी हम पहुँचाएँ रिकॉर्डिंग्स और बुलाएँ इस महफ़िल में ताकि हम सब क्योंकि शिर की माफ़ी नहीं है और जो है अल्लाह हम अल्लाह ताला को राज़ी कर लें और जन्नतफिरदस हासिल कर लें रोज़ों का अहमाम बस लोग इस माह में खसूस रोज़ों इत्माम करते हैं सही रिवायत से पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मुसलसल तीन माह रजब और शामान और रमज़ान के रोज़े ना रखे रमज़ान तो पूरा रखना होता है ठीक है और ना इसकी ताकीद की बाज़ लोग सत्ताईस रजब का रोज़ा रखते हैं इस रोज़े को आम दिनों के रोज़ों से अफजल समझते हैं मुतद आदि से नबी करीब सस्म का मखसूस दिनों या तारीखों में नफरी रोज़ों का अहतमाम करना साबित है वो क्या है कब रखते थे आप सस्म जैसा कि अयाम बीद में हर कमरी महीने की तेरह चौदह पंद्रह तारीख को रोज़े रखते थे या हर सोमवार पीर या जमेरात को रोज़े रखते थे फरमाते थे कि मैं पीर और जुमेरात का इसलिए रोज़ा रखता हूँ कि आमाल नामे पेश होते हैं पीर जुमेरात तो मैं चाहता हूँ कि जब आमाल नामे पेश हों तो मैं रोज़े से हूं ठीक है लिजा जा के इब्तायी अशरे में रोज़े रखते थे नौ दस तो अफजुलजा हज भी आने वाला है जब हम रोज़े रख लेंगे सत्तई रजब को बिल्कुल नहीं रखना वो तो गुजर चुका अगले साल भी देख लीजिएगा नौ दस महरों को रखते थे रोज़ा वो हम भी रखते हैं आप हमें बताया है तो सुन्नत की पैरवी में या फिर कसरत शाबान में उन तमाम के बारे में सही और मतदद अदिस मिलती है लेकिन 27 रजब के रोज़े के बारे में कोई रिवायत नहीं मिलती लिहाजा अगर कोई खसूस तौर पर इस दिन का रोज़ा रखता है तो उसका रोज़ा तो हो सकता है मगर ये अमल मसनू नहीं होगा बल्कि बिदत शुमार होगा पुराने करीम में शाद बारी तले है शरतुल आयत नंबर एक या आमनू ला आमन लातमुबैना यदल्ला यदि लाही व रसूल ही ए लोगो जो ईमान हो अल्लाह और उसके रसूल के से आगे ना बढ़ो आ, उमर रदीन इस माँ में ना सिर्फ ये के रोज़ा रखने से मना किया करते थे बल्कि लोगों के हाथों पर हाथ मार कर मजबूर करते थे उमर रदीन का तो गुस्सा सबको पता है ना और फिर जो है उनको उनको तो शैतान भी देख के भाग जाता था तो वो वो तो वो उमर रदी आनु न सिर्फ ये के रोज़ा रखने से मना किया करते थे बल्कि लोगों के हाथों पर हाथ रख कर मजबूर करते थे कि वो रोज़ा तोड़ दें क्योंकि माह रजब की तज़ीम और इसमें रोज़ा रखना दौरे जालियत की रस्म थी पीर जुमेरात का रख दें याम बीत का रख दें सत्ताईस रजब का ना रखें अलबत्त हाँ अगर सत्ताईस रजब को पीर जुमेरात आ गई है आ, तो रख लें अलबा अगर कोई शख्स बतौर आदत हर चंद हर माह चांद की तेरह चौदह पंद्रह तारीख या पीर और जुमेरात को रखता हो उस माह में भी रख सकता है रजब में भी फिर हम देखते हैं कि बाईस रजब या सत्ताईस रजब को कुंडों का अहमाम बाईस रजब सत्ताईस रजब को कुंडो कुंडे भरना बतौर रस्म रवाज पा चुका है इस रस्म में इस रस्म में किसी मन्नत के पूरा होने पर हलवा पूरी और खीर वगैरह पकाई जाती है शादी पूरियाँ मीठी पूरियाँ बहुत टेस्टी बनाया जाता है खीर बहुत मज़े की बनाई जाती है खूब कड़ा कड़ा के कड़ी हुई खीर बहुत मज़े की तारीख़ के मुाले से ये बात सामने आती है कि इस रस्म की इब्दा 1906 में अमीर मीनाई के ख़ानदान से हुई जो हिंदुस्तान के शहर से ताल्लुक़ रखता था इस रस्म का मकसद इमाम जाफ़र रहत की रूह को सवाब पहुंचाना था हालांकि इस बात का इस बात का तयन नहीं हो सका कि मस्कूर इमाम की पैदाइश या वफात माह रजब में हुई थी ना वो उन्हें वो हमें ऐसा कह के करके करने को कह गए इस्लाम में किसी भी बरगजा बरग़ज़ीदा शख्सियत की पैदाइश के दिन खुशी मनाने या खूशी सदका और खैरात की कोई गुंजाइश नहीं है अलावा अजी देखे कोई नहीं जो बर्थडेज़ हम मना रहे होते उससे भी निकल रहा है कि पैदाइश की ना खुशी मनानी है बर्थडेज़ वग़ैरह भी नहीं मनाए एनिवर्सरीज भी नहीं है वरना हमें नज़र आता साहबा कराम और आपसम साबित ही नहीं है सबा कराम तो पहले करने वाले होते तो या खुशी या तो इस्लाम में किसी भी बरगजा शख्सियत की पैदाइश के दिन खुशी मनाने या खुशी सदका और खैरात की कोई गुंजाइश नहीं है अलावा अजी कुंडों का ना कुरान और सुन्नत में जिक्र है ना ही सबा कराम ताबीन या तबा ताबीन के ज़माने में इसका कोई सबूत मिलता है तो मेरी बहनों फिर असल दिन क्या है हमारे जहनों में वाजह होना चाहिए कि असल दीन है क्या असल दीन वो है जो अल्लाह ताला ने मोहम्मद वसम के जरिए हम तक यानी दीन अल्लाह ताला की अतात और फरमाबरदारी उसके अहकाम के आगे सरे तस्लिम खम करने और मोहम्मद वसम की सुन्नत पर अमल करने का नाम है असरतलमायद आयत आयत नंबर तीन इर्शाद बारी ताल है अलियो अकमल तो लकुमदीनकम व आतममम तो अल्कुम नती व रदी तु लकुमस्सलाम दीना आज मैंने तुम्हारे लिए दीन को कामिल कर दिया है और तुम पर अपना इनाम भरपूर कर दिया है तुम्हारे लिए इस्लाम के दीन होने पर रजामंद हो गया ठीक है आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया तुम पर अपनी नेमत तमाम कर दी और तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद कर लिया अब मेरी बहनों इसके बाद कोई भी ऐसा काम जो आप ने ना किया और ना ही उसका हुक्म दिया उसे दीन का हिस्सा समझते हुए अदा करना और फिर इस पर अजर सवाब की तो रखना बिदत है नबी करीम ने फरमाया हम देख लेते हैं बिदत की हदीस स्क्रीन पर बिदत पर हदीस खैरुल हदीसी किताब अल्लाह وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل مودسه بدا وكل بدا دلاله وكل دلاله في النار सबसे बेहतरीन बात अल्लाह की किताब और सबसे अच्छा तरीक़ा तरीक़ा है मोहम्मदी अलैहि वसल्लम का है और बदतरीन उमूर दीन में ईजाद कर दिया चीज़ें हैं और दीन में हर ईजाद करदा नई चीज़ जो है बिदत है और हर बिदत दलालत है और हर दलालत का अंजाम जहन्नुम है हर बेशक हर नई बात बिदत है हर बिदत गुमराई है हर गुमराहि आग में ले जाने वाली बिदती के बारे में रसूल अल्लाह रसुल्लासन का इशाद मुबारक है अल्लाह ताला बिदत की बिदती की तौबा कबूल नहीं करता बिदत को याद रख ले कि दीन में अपनी तरफ़ से नई नई बातें घड़ घड़ के करना सवाब की नीयत से करना तो बिदती के बारे में रसूल संद का इशाद मुबारक है अल्लाह ताला बिदती की तौबा कबूल नहीं करता जब तक कि वो बिदत तर्क नहीं करता उसको तौबा की तौफीक भी नसीब नहीं होती क्योंकि वो तो सवाब के काम कर करके कर रहा होता है बिदती जो है आप सस ने फ़रमाया मैं अपने हौज़ पर तुमसे पहले मौजूद होगा और फिर क्या होगा बिदती हौज़े कोशे से पानी पीने से भी महरूम हो जाएगा तो देखिए इस हदीस को आप सस ने फरमाया मैं अपने हौज़ पर तुमसे पहले मौजूद होगा और तुम में से कुछ लोग मेरे सामने लाए जाएंगे फिर उन्हें मेरे सामने से हटा दिया जाएगा तो मैं कहूँगा ए मेरे रब ये मेरे साथी हैं लेकिन मुझसे कहा जाएगा कि आप नहीं जानते एक फरिश्ता मुझसे जवाब देगा कि आपको मालूम है कि उन्होंने आपके बाद कैसे कैसे नए काम ईजाद किए थे कि क्या आप आप जानते नहीं कि उन्होंने आपके बाद क्या क्या नई चीज़ें ईजाद की थी लिहाजा मेरी बहनों ऐसे तमाम तरीक़ों और कामों से बचने की ज़रूरत है मेरे खम में आप लोग तो नहीं करती लेकिन बहरहाल एक ये तो एक तस्कीर है ये तो एक तस्करा है ये तो एक याददानी है और ये सबको बताना भी चाहिए हमें लिहाजा ऐसे तमाम तरीकों और काम से बचने की जरूरत है जो दीन के नाम पर आप ससम के बाद ईजाद कर लिए हो गए हों क्योंकि आप सब फरमाया हदीसी मुबारक मन अदसाफी अमरीना हाजा मालसा मिन हूँ फोआ इसे सही बुखारी ने रिवायत किया जिसने हमारे इस दीन में कोई ऐसी चीज ईजाद की जो इसमें से ना हो तो वो मरदूद है अब हम फिर से ये बिदत देख लेते हैं दोबारा से सत्तईस रजब की शब को इबादत का एहमाम करना सत्ताईस रजब का रोज़ा रखना और सत्तईस शब रजब की शब को खूसी इबादत का एहतमाम करना दीगर बिदात के अलावा सत्तई सजब को रात जा कर इबादत करने और दिन को रोज़ा रखने की भी बहुत अहमियत दी जाती है और इसकी नस्बत वाक़ मराज से की जाती है हालाँकि नबी करीम सरसम ने अपनी हयात मुबारक में वाक़ मराज के बाद इस रात किसी खसूसी इबादत का ना तो अहतमाम किया आपने वाक़ मराज मनाया ही नहीं ना ही इबादत का एहतमाम किया और ना ही नबी करीम का कोई कौल या कोई अमल सत्ताई सजब के शब्द शब खूी इबादत के बारे में है आपके जानसा साहबा कराम रदी अल्लाजमैन या अजवाज मतारात में से भी किसी ने इसका अहतमाम नहीं किया लिहाजा ऐसे तमाम तरीक़ों काम से बचने की ज़रूरत है जो दीन के ना पर नबी करीम सस्म के बाद ईजाद कर लिए गए हों वाक महराज जिसके लिए ये करते ये सारी बिदात तो उसके जहूर की हकीकत अपनी जगह मुसलम है वाक़ महराज ज़रूर हुआ है मगर ये भी एक हकीकत है उसके रूना होने की तारीख़ के बारे में कमो बैश छत्तीस मख्तलिफ अकवाल मिलते हैं तो कैसे ये लोग मना रहे हैं छत्तीस अकबाल मिलते बाद के मुताबिक ये वाक़ रबी अलवल में हुआ बाज़ ने कहा रमज़ान में हुआ बाज़ ने फरमाया कि हिजरत से चंद साल बाद और बाज ने बताया कि हिजरत से चंद माह कबल हुआ इसकी हतमी तारीख किसी सही अदी से यकीनी तौर पर साबित नहीं तो ये बात तस्लीम शुदा है कि नबी ससम को मक्की ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में ये माराज का खास मुशाह मुझे, कराया गया जिसमें हमारे लिए सीखने और अमल करने के बहुत से पहलू हैं तो बिदत की बजाय हमें सारे पहलू निकालने चाहिए सीखने और अमल करने के कि नमाजें अपने वक्त पर पढ़ें हम और जो है ज़िक्र जिक्र खैर अल्लाह का जारी रखें और वैसे भी अब तो मुबारक महीने हैं शाबान और जो है रमज़ान भी सयाफ़न होने वाला है अल्लाह ताला रमज़ान में भी हमें बेहतरीन इबादत करने वाला बना दे अल्ला ज़िक्र का व शिक्र का वबादती का और फिर ये सारी बिदात अल्लाह जो कर रहा है उन्हें भी रोकें उन्हें भी मना करें लेकिन बाद दफ़ा हमारा तरीक़ा गलत होता है बड़े प्यार से बड़े उससे ना एकदम हम किसी को दीन की तरफ़ लाते तो एकदम बिदत की बात शुरू कर दे पहले उससे ताल्लक़ात अच्छे करें अच्छी दोस्ती हो अच्छी उसके हाल चाल पूछें फिर बिदत पे बताएं असल में बाद दफ़ा हमारा तरीक़ा इतना गलत होता है कि फिर लोग जो है ना वो सुनना भी नहीं चाहते बात तो पहले तो हमारे रिलेशनशिप होनी चाहिए उसके बाद हम कोई बात करें पहले तो हम ना सलाम करते ना पूछते हैं ना किसी का हाल है वाल और एकदम बिदत पे कोई मैसेज कर देंगे या वो कर देंगे ऐसे नहीं करना चाहिए ठीक है तो आप लोग जो है शाबान की भी ज़रूर सुनिएगा उसमें भी कुछ बिदात हैं जो नहीं करनी चाहिए तो आपको पता है कि बिदती से तो तोबा की तोफ़ी भी छीन ली जाएगी जो दीन में अपनी तरफ से घड़गड़ के नई नई चीज़ें इबादत करेगा उससे तोफ़ी तोबा की भी छीन ली जाती है और आपसे समझ के हाथ से ओसे कौसे का पानी पीना भी नसीब नहीं होगा तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कुरान और हदीस पे चलने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए अल्लाह ताला और तमाम बिदतों से बचाए और इंसानी शैतानों से भी और असल शैतान से भी अल्लाह ताला हमें बचाए बाखर उदावाना अनिलहमदिल्ला रबालमीन सुबह नकल्ला वबी हमदी का इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व अलैक नस्तफ़िर अलैकुम व असलकुम व वबरकू कल हमारा इंग्लिश का दर्स है इंशाल्लाह फिर पीर को भी इनशाला फिर पीर को मुलाकात होगी इनशाला जो इंग्लिश के दर्ज में नहीं आते उन लोगों से इनशा ठीक है लेकिन आप लोग ग्रुप ग्रुप ज़रूर देखा करें वो तो मोहब्बत में एक दूसरे को हम मैसेजेस कर रहे होते हैं उस्मा जी भी कर रही होती मैं भी कर रही होती हूँ तो यह है कि अगर मैसेजेस प्राइवेट ना भी आए ना तो मुझे मालूम है आप लोग देखा करें सिस्टर्स ऑफ न्यूयॉर्क पे जो हैं या जो उस पर है जहाँ भी है जिस भी ग्रुप में है कॉन्फ्रेंस कॉल पे ज़रूर देखा करें ठीक है जो नहीं है वो अपने आप को ऐड करवा लेना ताकि आप लोगों को पता चलता रहे आपको कब हमारे इधर से ठीक है क्योंकि ये भी होता है ना बार दफा के अब